शामली पुलिस ने एक साधु ठग को गिरफ्तार किया है। यह खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों से ठगी करता था। पकड़ा गया आरोपी अब तक करीब आधा दर्जन लोगों से ठगी कर चुका था। यह पुलिस के द्वारा पकड़े गए वाहनों को नीलामी के नाम पर ठगी करता था। इसके पास से 10,000 की नकदी बरामद की है। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के माजा रोड का है। यहाँ पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक साथी ठग को गिरफ्तार किया है। यह साथी ठग जिसका नाम सद्दाम है, खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों से ठगी करता था। इसका ठगी करने का तरीका भी कुछ अलग था। वह लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़े गए वाहनों को नीलामी में छुड़ाने के नाम पर ठगी करता था और अब तक करीब आधा दर्जन लोगों से ठगी कर चुका था। आरोपी सद्दाम खुद को एसपी शामली ऑफिस में पुलिसकर्मी बताकर ठगी की घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 की नकदी बरामद की है, जो कि इसने एक दिन पूर्व ही शामली में एक युवक से ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। एक जो है सद्दाम नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, जो अपने आप को पुलिस ऑफिस में हेड कांस्टेबल के पद पे बता के और ये ठगी कर रहा था कि वाहनों की नीलामी करा दूंगा, वहाँ पे ठगी करता हुआ ये पकड़ा गया है और इससे पैसे भी बरामद हुए हैं और इसके खिलाफ मुकदमा कायम होकर इसको जेल भेजा जा रहा है। ये कह रहा था कि उसमें जो है थाने में जो वाहन खड़े हैं एक्टिवा, वो मैं आपको दिलवा दूंगा और उसमें जो है उसकी नीलामी में करा दूंगा, उसी में ये ठगी कर रहा था। सद्दाम क्या किया तुमने, क्यों पकड़ा पुलिस ने? कितने रुपये ठगे तुमने? 40,000। क्या बात, क्या तुम्हारे मन में कहाँ से आया है कि पुलिस बन के ठगी करना? बस खराब हो गई। तो तुमने एसपी साहब का नाम क्यों लिया? वही गलती हो गई थी, अब तो क्या नाम। इससे पहले भी मान रहे तुम अपनी? पहले कहाँ किया आपने ये? आज पहली धरी श्यामली को चुना? श्यामली में क्यों चुना है तुमने? तुम क्या काम करते हो इस अलग, क्या काम करते हो ठगी से अलग? कुछ नहीं करते।